अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि एलिमेंट्स और डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के एलिमेंट्स कौन से हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, आज हम इसको देखेंगे। इसके अंदर दो तीन ऐसे एमसीक्यूज समझे आप आने हैं कि जो हर पेपर के अंदर आते हैं, यानी ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर एजुकेशन के पेपर के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन तो मस्ट है। तो इसलिए इसका कंसेप्ट आपका क्लियर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ एलिमेंट दिए हैं। जिसको आम लफ्ज़ों में मैं कहूँगा कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर क्या हो रही होगी, प्लानिंग हो रही होगी, ऑर्गेनाइजेशन हो रही होगी, स्टाफिंग हो रही होगी, बजटिंग हो रही होगी, रिपोर्टिंग हो रही होगी, कोआर्डिनेटिंग हो रही होगी, कंट्रोलिंग हो रही होगी, सारे जो हैं ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। फिर हम इन एलिमेंट्स को फर्दन उनकी डेफिनेशन देखेंगे कि इनका मतलब क्या बनता है। पहले देखेंगे ये दो चार बंदों के हवाले से मैंने डिस्कशन की है, हेनरी फॉयल ये इसने जो है ये 19 इसकी हमने थ्योरी भी पढ़नी है लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स की हद तक 1957 के अंदर हेनरी फॉयल ने 5 एलिमेंट्स दिए मैनेजमेंट के, जिनको POCCC कहते हैं। क्या कहते हैं? POCCC। पी मीनिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ये इन लफ्ज़ों को, इनकी डेफिनेशन मैंने अलग फर्दन वो जो है वो आपको अलग से बताई हैं। अभी आप ये देख लें कि एलिमेंट्स हैं कौन से POCCC, इनका पता भी हो फिर आपका इसको कि POCCC स्टैंड फॉर। इस तरह लोथिक, गुलिक एंड लैंडल उर्विक, इसे उर्विक, गुलिक और उर्विक के पॉइंट भी बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1957 ने हेनरी फॉयल ने दिए थे, 1961 के अंदर गुलिक और उर्विक ने दिए हैं। गुलिक और उर्विक ब्रिटिश थे और इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था वो पोस्ट कार्ब का दिया था। क्या दिया था? पोस्ट कार्ब। अब पी से क्या बनता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ठीक है, ये इसको स्टैंड करता है। और जो CO है इसको आप को ये नहीं लीजिएगा कि इसका अलग होगा, CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है। इसके बाद आगे हमारे पास कोंट्स एंड डोनिल, ठीक है, उन्होंने 1964 के अंदर दिए थे, और POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये दिए थे इसने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने, कोंट्स एंड डोनिल ने दिए थे, ठीक है। इसके बाद डेल ने 1965 के अंदर दिए थे और उसको जो थे वो पोस्ट डीड था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन्वॉल्विंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। ये थे हमारे जो अब तक मैंने बात की है कि किसने, हेनरी फॉयल ने हमारे POCCC दिया, उर्विक और गुलविक ने पोस्ट कॉप दिया, डेले ने पोस्ट डीड दिया। इसके अलावा पिछला हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ट्स एंड डेल ने POSDC दिया, ठीक है। अब इसके गैरी एंड जॉर्ज एंड जेरी, इन्होंने POAC दिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टूटिंग एंड कंट्रोलिंग। जो मेन इंपॉर्टेंट है ना वो हेनरी फॉयल और इसके अलावा जो है ये उलिक और गुरविक, गुरविक और उर्विक और गुरविक जो है गुलिक एंड उर्विक, इसके जो हैं पोस्ट कॉर्ब और उसके POCCC, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी भी आपको पता तो होने चाहिए। अब एक एक फर्दर इनको हम देखते हैं कि ये क्या होता है। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसके मुतालिक ये सोचना कि व्हाट टू डू, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं व्हेन टू डू, मैंने कब करने जा रहा हूँ, हाउ टू डू, मैं क्या करने जा रहा हूँ, हु टू डू, किससे करवाने जा रहा हूँ, यानी किसी भी चीज़ के हवाले से किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले जो हम कोर्स वर्क करते हैं उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। और ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, यानी इसके अंदर हम को फिज़िकली काम नहीं कर रहे होते, प्लानिंग के अंदर हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए प्लानिंग कर रहे होते हैं। और ये एक प्लान ऑफ एक्शन होता है कि फ्यूचर के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं उसे हम प्लानिंग बोलते हैं। इसके साथ ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? ऑर्गेनाइज होता है अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को प्रॉपर सिक्वेंस के अंदर तरतीब देना, हर शख्स को उसकी ड्यूटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना, रिसोर्सेज का बेहतर यूज करना, लाइक जैसे बिल्डिंग मटेरियल है या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा सिक्वेंसिंग ऑफ थिंग्स, चीज़ों को तरतीब देना है। स्टाफिंग के अंदर हम लोगों को हायर करते हैं, उनको ट्रेनिंग करना, कौन कौन लोग
लोग यानी बेस्ट ऑप्टिमल रिसोर्सेज, कौन सा बंदा जो है वो मेरे इस काम करने को काबिल है, यानी एचआर के काम हम जो कर रहे होते हैं तो ये स्टाफिंग के अंदर हम कर रहे होते हैं। डायरेक्टिंग के अंदर हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि आपने ऐसे करना है, किसी को गाइड करना, किसी को काउंसलिंग करना, किसी को डायरेक्ट करना, किसी को मोटिवेट करना, लोगों को लीड करना, लोगों को बताना कि ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, आप काम ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये वाला काम करो, तो इसको हम डायरेक्टिंग कह रहे होते हैं। कोऑर्डिनेशन के अंदर हम मैनेजमेंट और वर्कर के दरमियान यानी चीज़ों के दरमियान आपस के अंदर जो रिलेशन काम कर रहे होते हैं कि हमारा काम क्या है और उस काम को बेहतर करने के लिए सब लोगों का आपस के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है इसको हम कोऑर्डिनेशन कह रहे होते हैं। रिपोर्टिंग के अंदर हम अपने काम की रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट देना, उसकी एक समरी बना के देना, किसने कितना काम किया है, परफॉर्मेंस वगैरह को रिपोर्टिंग कहते हैं। बजटिंग के अंदर क्या होता है कि हम उसको किसी चीज़ का एस्टिमेट लगाते हैं, एलोकेशन, एक खास फाइनेंशियल रकम जो है एलोकेट करना और रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ करना, इनकम और एक्सपेंडिचर का ख्याल ये होता है। कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि कोई भी एरर जो आ रहा होता है उस एरर को करेक्ट करवाना, एरर को चेक करना, एरर को करेक्ट करवाना, स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना, ये कंट्रोलिंग का काम होता है। एक्टिवेटिंग के अंदर ये होता है कि उसके अंदर हम मोटिवेशन कर दे रहे होते हैं और अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं हमसे नीचे काम करने वाले उनको डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि आप ये काम करो और उनको एक्टिवेटिंग के अंदर मोटिवेट कर रहे होते हैं। ये थे हमारे पॉइंट्स, कोई पॉइंट रह गया हो, किसी की समझ ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकअल्लाह जी।